नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो नौकरी यहाँ है। मैं हूँ आपके सामने राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल स्पेस। कहाँ निकला फॉर्म, कहाँ निकली भर्तियाँ, कैसे करें अप्लाई, कहाँ भटक रहे हो भाई, नौकरी यहाँ है सिर्फ न्यूज स्टेट का। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई नौकरी की भर्ती की खबर लेकर हाजिर हूँ। आज हम आपको इस खास शो में आपको पटना हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में जो भी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसके तहत लॉ असिस्टेंट के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 जून 2022 तक या फिर उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट सहित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पटना उच्च न्यायालय भर्ती 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां निकाली गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 1 जून 2022 है, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 जून 2022 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2022 है। तो चलिए देर मत करिए और फटाफट से अपना जो है आवेदन कर ले। आपको बता दें इसके लिए सिर्फ 16 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आप लॉ असिस्टेंट के लिए फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में जिसमें हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई नौकरी की भर्ती को लेकर। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कहाँ निकला फॉर्म, कहाँ निकली भर्तियाँ, कैसे करें अप्लाई, कहाँ भटक रहे हो भाई, नौकरी यहाँ है सिर्फ न्यूज़ स्टेट।